कैसे हो आप? सा चला जा मदरसा और टाइम हो गई है। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ एक नंबर ला रही है, लूट रहे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस, फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। मैं आके सो गया था, सो गुरु अब हम जा रहे हैं मदरसा, टाइम हो गई है और मैं आके सो गया था सुबह में, इसलिए क्योंकि रात को मैं सोया नहीं था बिल्कुल भी। और सुबह में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, अचानक छींक आने लगी, इतना छींक कि मैं परेशान हो गया। अभी भी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि सर्दी है। तो जा रहे हैं गुरु, क्योंकि टाइम हो, मुझे मेरे हिसाब से 10 मिनट और बचे हैं बस। तो चलो दोस्तों अब ला के उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि 10 मिनट बचा है, अभी जाना पड़ेगा वहाँ पे अनुग्रानी के घर पे, उसको लूँगा और उसके बाद आऊँगा मदरसा, फिर स्कूल में लारा को, और टाइम रहेगा तो डायरेक्ट चला जाऊँगा सुलेमान बुलाने। स्टाइल देख रहे हो, बाहर की चेंज हो गई, पहले इधर से थी अब इधर से हो गई, कैसे चोमू लग रहा हूँ। अभी बजने वाला है 1:30, 1:30 मेरे हिसाब से बज ही गया है। अब हम जा रहे हैं बाबा को लाने, फोन किए थे मदरसा से आए नहाए धोए, चा भी तेरी बहन मदरसा से आए नहाए धोए गुरु, और उसके बाद से खाना पीना खा के गड़िया तो आग फेंका थी, अरे बाप इतना आग फेंक रही है गड़िया ने, क्या बताया। जा रहे बाबा को लेने, 1:31 हो रहा है, फिर जुकाम उकसाम लग रहा है, सुबह से बहुत ज़्यादा छींक छींक पा रहे हैं। चलिए दोस्तों बकचोदी ना करते हुए जाएं बाबा को लेके आए, उसके बाद मिलते हैं आपको उसे। आज मामा को मदरसा भी लेके जाना है, बहुत चूमू लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चूमू लग रहा हूँ। बाहर खड़ा हो, तो बाबा को लेके आए, उसके बाद मामा को मदरसा लेके जाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो मैडम का फ़ोन है अभी जस्ट, मैं गाड़ी चालू कर, सारा सामान मैं गाड़ी में रख लिया हूँ, अब निकलेंगी तो इनको ले आके जाएंगे मदरसा, मदरसा से होंगी। अबे भाई फंस जाता है, अभी मुस्लिम का कैसे फंस जाता, अभी निकलेंगी फटाक से इनको लेंगे, ले आके छोड़ेंगे। तो जब कोई काम ना बताएं तो फिर तो डायरेक्ट घर आएंगे, और नहीं तो आगे बाथरूम करेंगे, पहले क्या कर सकते। और यार सब्जी बनाए थे कल रात में, यार गुरु तब मसाला ज़्यादा हो गया, जल रहा है, मसाला ज़्यादा हो गया, और खाने के बाद ऐसा होता है ना ढेकार आती है, तो अजीब ही ढेकार आ रही है सर। मेरे को टेंशन है यार उस कल वाला पैसा, यार वो उसका लड़का कह रहा था कि मैं दे दूंगा पैसे, और बाबा पूछ रहे थे रात में आके कि क्या हुआ था, मैं सारा बताया, बोला कब पैसा देगा वो, मैं कहा तो है, तो कह रहा वो तो चला गया सफ़र, हम क्या बोलूँगा ना, मैं सफ़र चला गया, उसका नंबर पड़ा है मेरे पास, मैं बोलूँगा कि वो बाबा पैसा मांग रहे थे, नहीं अगर जो नहीं दोगे तो कह रहे थे पगार से काट करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। वैसे बाबा तो पगार में से नहीं काटेंगे, लेकिन हाँ इसका फाइनल तो करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं मैं, मेरे काम मैं अपने काम से नहीं गया था, और गलती मेरी थी, लेकिन क्या कर सकते, वो भी ताक में होते कि गाड़ी में कौन है कौन नहीं है, क्या कर सकते यार, दिमाग एकदम टेंशन में उसकी वजह से, कोई बात नहीं। 3:30 बज रहा, अब भी से गाड़ी चालू करेंगे, आइए आधा घंटा बाद असमार गड़िया कैसी है, ठंडा कर थी कि इंतजार करिए जब ले तबले गड़िया बर्फ़ हो जाए, अरे बड़ी। चलो दोस्तों इनको छोड़ने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। खड़ा मुनो अपने आप के खड़ा किए से थे, मुनो अपने आप के खड़ा किए, यल्ला यल्ला बाय 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 बाय। 5:17 हो रहा, मैं जा रहा हूँ सैदलिया, सैदलिया से लूँगा दवा, और उसके बाद रे तेरी बहन का तू तोड़ दिखा के मार के बहुत खड़खड़ा था, उसके बाद चला जाऊंगा मैडम की मदरसे पे उधर ही से। और दवाई क्या है, मतलब वो एक तरह का प्रोडक्ट है लेडीज़ों का, दिखा दूंगा जो आज दिखा है। मुनो आया था अभी मेरे फ़ोन से ऑर्डर किया, पता नहीं क्या दवाई, हारमोन्स शादी ब्याह होगा आप कौन हारमोन्स का कमी रहे, लड़का बच्चा होगा, लेकिन अब इनके याद पड़ा गया, अरे हमारा हारमोन्स कम, शादी इस पहले क्यों करेगी जाए ना। चलो मिलते हैं अभी कुछ देर में, दूसरा इशारा भी निकला, अब देखते हैं यार सैदलिया में मिलेगा ये कि नहीं, नदी तो है बहुत बड़ी, अगर जो उस पर नहीं मिला तो उसके बाद से
मुझे आना पड़ेगा सल्लती के पास, एक है वहाँ पे, अगर जो वहाँ नहीं मिला तो फिर मुझे जाना पड़ेगा पंडा हिसारा से सीधा एक पड़ता है उधर, तो चलो मिलते हैं अभी, भूल गया, चल बॉय चल, कभी निकल जाता ना इशारा पड़ी साला, एक तो झाड़ भर का रास्ता, वही मार दुनिया भर का इशारा। ये गए थे लेने के लिए, बस इतना काफ़ी है, यहीं पे मिला है नदीप, नहीं मिला था भाग क्या थोड़े से आगे पे, ये मिसाल के घर के पीछे, अपने मन से तुम्हारे बजाने से निकलेंगे भोसड़ी वाले। चलो कितना टाइम हो रहा है, 5:30, चलते हैं बुढ़ी के मदरसे पे। सो गुरु बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, अभी पीछे ही चेकिंग हो रही थी दुवार पे एकदम, तो दुखना दुवार पे हो रही थी, तो सो प्लीज़ का मेरे जितने भी अलरस के देखने वाले मेरे दोस्त यार नसड़ी बसड़ी फिर भी जुआरी लोग हैं, बच के रहें, और ये गाड़ी में बिल्कुल भी या मुंह में दबा के ये ना जाएं, सुरती सिगरेट ये नशे वाली चीज़ कोई भी हो प्लीज़ अपने साथ लेके ना चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर वही होगा कि अरे यार क्या कर दिए यार, छोड़ थोड़ी सी देर के नशे के लिए मारे के पूरी ज़िंदगी चौपट कर ली, पता नहीं कितना मिलियन मुखालफा आ जाएगा, जेल में डाल देंगे, घर जा पाओगे या नहीं जा पाओगे गुरु, तो ये सब देखने के हिसाब से फिर अभी देख रहा हो, अभी कौन आदमी किस आदमी को नहीं पता है कि क्या चल रहा है सऊदी अरब में, कौन सब जो एकदम जाहिल होगा उसको भी पता होगा कि अरे भैया नियम कानून, सऊदी ऐसी कंट्री है जहाँ पे चाहे कोई कितना ही बड़ा जाहिल हो, ड्राइवर हो कितना ही बड़ा मतलब अनपढ़ हो कुछ भी हो, उसको यहाँ के नियम के बारे में 100% पता चल जाएगा, उसको नहीं वो मोबाइल से नहीं देखेगा, लेकिन जब ये नियम निकलेगा इधर उधर से उसको पता चल जाएगा कि अरे यार सऊदी में ये नियम निकला है इसका पालन करना है, तो गुरु प्लीज़ बच बचा के रहो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे वजह से हमारा परिवार वहाँ पे चल रहा है, तो लापरवाही मत करना, मिलते हैं जब ये बुढ़ी की मदद, बड़ा रोड खराब है इसकी भाई, क्या नमाज पढ़े रूम में और मस्त एकदम चढ़ा दिए हैं दुपिया जा, थोड़ा चढ़ रहा बन रहा है, हम जा रहे हैं लड़की का इधर से एक वो है मकतब है मतलब ऑफिस है, वहाँ से पेपर लेना है, यहाँ से हमेशा लेता हूँ, बस यहीं से पंडा इशारा से भी एसआर मारूंगा आ जाएगा, तो लेने के बाद उस फिर लेके फिर पूछते हैं कि तुमको दें कहाँ लें, घर लेके जाएं कि तुमको ला के दें, फिर उसके बाद मिलते हैं, तब तक एकदम स्लो आज पे छोड़ दिए, बड़ी गर्मी हो रही है यार, पंडा इशारा पंडा कहाँ, पंडा तो उजड़ गया गायब हो गया, अब समझ लो कि मैगडी या तो हैरफी इशारा, इस साइड पे मैगडी है पीछे मेरे हैरफी है, बन के एकदम चौचक रेडी है, बनाए मटन बहुत तगड़ा, अब जा रहे मैडम को लाने, उनका फोन आ गया कि आओ, तो हम कहे ठीक है, उनको ला के फिर खाते हैं, फिर ब्लॉग को एडिट करेंगे, फिर सो जाएंगे, आज का ब्लॉग बहुत छोटा बना आई हूँ, लेकिन जो भी है मजा है, मजा बहुत है, तो अभी चलो ला के फिर उसके बाद मिलते, कहा कि इस रोड पे बहुत अंधेरा है, खा पी के जस्ट अभी लेटे हैं, ये आदत बहुत खराब है ना खाना खा के तुरंत, हम लोग में जो भी परदेश है ना सबका तो नहीं पता, लेकिन मेरा यही है कि खा के तुरंत मुझे बिस्तर पे चाहिए, मैं बड़ा मज़ा आता है, ये कमजोरी की निशानी एकदम आलस की निशानी, ये जो देख रहे हो ना ये लुंगी ये मैं कभी नहीं पहनता, ये मेरे भाई साहब की लुंगी है, लेके गए थे उनकी लुंगी है, इस ब्लॉग को मैं एंड करते हैं दोस्तों, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करो, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, कल मदरसा भी है सुबह उठना है, तो कल मिलते हैं, मां सलामा, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों ब्लॉग, कल मिलते हैं।